अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अभी और आज मैं आपको स्ट्रेट कट कुर्ते की कटिंग बता रही हूँ। इसमें हम स्ट्रेट कट कलियाँ डालेंगे और इसमें जो हम बैक साइड का कपड़ा है वो फ्रंट साइड पे डाल रहे हैं और फ्रंट साइड का कपड़ा जो है हम बैक साइड पे डाल के डिज़ाइनिंग करेंगे। ये डिज़ाइनर सूट है और उसके ऊपर हमने गले का पैच अटैच करना है, जिसको लगाना मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखें, ये एक डिज़ाइनर सूट है, सेम इसी तरीके से हमने इसको काटना है स्ट्रेट कट कलियाँ डाल के। ये पैच है इसके ऊपर और गले का, और ये हमारे पास नीचे बॉर्डर है जो हमने इसके नीचे बॉर्डर अटैच करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का हमने हिस्सा जो है फ्रंट पार्ट पे डालना है और फ्रंट पार्ट का हिस्सा हमने बैक पार्ट पे डालना है। सबसे पहले हमने इसको बॉर्डर अलहदा करना है। बॉर्डर को हम अलहदा कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हमने बॉर्डर को नीचे अटैच करना है और उतनी ही हमने इसकी लेंथ कम रखनी है। जिस तरह ही हमारे पास डिज़ाइन है ऊपर को जा रहा, हमने ये डिज़ाइन ऊपर की साइड पे ही करना है। अगर आप डिज़ाइन को देख लें कि एक साइड पे अगर फूल जा रहे हों तो उसको बेहतर है कि फ्रंट साइड ऊपर वाली साइड पर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बॉर्डर हमने अलहदा कर लिया है, अब बॉर्डर की चौड़ाई हम देख लेते हैं कि कितनी है। ये हमारे पास लेस है जो हमने बाजुओं पे और पैनल्स पे अटैच करनी है। अब हमारे पास बॉर्डर की चौड़ाई हमने देखनी है, 7 इंच के करीब हमारे पास बॉर्डर की चौड़ाई है। इतना ही कम हमने लंबाई में रखना है क्योंकि हमने बॉर्डर बढ़ा के डालना है। चलें फिर हम शुरू करते हैं कटिंग करना। सबसे पहले हमने दरमियान वाला पैनल निकालना है जो मिड में हमारे पास आएगा, जिसके ऊपर हमें ये गला अटैच करना है। पहले हम गले की चौड़ाई देखेंगे, जितनी हमारी गले की चौड़ाई है हमने कम से कम उतना रखना है दरमियान वाला पैनल, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है सिलाई का मार्जिन देने मार्जिन के लिए। ये गले का पैनल जो है हम दरमियान वाले हिस्से पे अटैच करेंगे। गले की हमारे पास चौड़ाई जो है वो हमारे पास तकरीबन 9 इंच के करीब है, तो हम जो गले बीच वाला पैनल है वो 10 इंच के करीब डाल। कुर्ती की टोटल लेंथ जो है हमारे पास 38 इंच है, तो हमने 7 इंच बॉर्डर का छोड़ के 31 इंच की इसकी लेंथ लेनी है और 10 इंच का हमने इसका दरमियान वाला पैनल जो है वो लेकर अलग कर लेना है। इसी तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट का दोनों पैनल अलहदा कर लेने हैं। फ्रंट पार्ट का पैनल मैंने ऊपर वाली साइड पर रखा हुआ है और अब बैक साइड वाला पैनल हम निकाल रहे हैं। ये ऊपर हमारे पास फ्रंट पार्ट है जिसकी मैंने लेंथ 31 इंच ली थी और नीचे हमने बैक पार्ट का पार्ट रख के दरमियान वाला पैनल हम अलग अलग कर रहे हैं। इसके बाद हमने साइड वाले जो पैनल्स हैं वो डाले हैं। अब ये जो साइड पे से हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से हमने पैनल्स लेने हैं फ्रंट पार्ट के, और जो फ्रंट पार्ट में से कपड़ा बचा था उसमें हमने पैनल्स लेने हैं बैक पार्ट के। ये फ्रंट पार्ट मैंने फोल्ड कर लिया है, अब इसके साथ मैंने इसकी साइड पे डालने के लिए कलियां निकालनी है। स्ट्रेट कलियां, स्ट्रेट कपड़ा डाल के मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने इसकी कलियां जिस तरह आम कुर्तों में डालते हैं उस तरह नहीं डालनी, स्ट्रेट कट कुर्ता है ये। मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है जिसकी मैंने कलियां डालनी है। ये मैंने साइड पे रख लिया है। टोटल जो विड्थ लेनी है मैंने कुर्ती की वो 24 इंच है। अब इसमें 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि इसमें सिलाइयों का मार्जिन भी आना है, तो 25 इंच मैं टोटल रखूंगी। यहीं से निशान लगा कर मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़ा एक ही साइड पे निकाल दूंगी। ये मेरे पास फ्रंट पार्ट की पैनल्स हैं और इसके साथ ही मैंने बैक पार्ट के पैनल्स भी काटे हैं। ये 25 पे मैंने 12.5 पे निशान लगाया है, एक कट लगा के मैंने निशान लगा लिया है। अब ये हमारे पास बैक पार्ट का पैनल्स हैं, जो हमने फ्रंट पार्ट में से कपड़ा निकाला था वो हमने बैक पार्ट पे डालना है। ये दोनों मैं बराबर करके रखूंगी ताकि कटिंग एक ही साथ हो जाए। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। दस इंच का हमारा दरमियान वाला हिस्सा है और साइड वाला हिस्सा जो है वो 15 इंच है। ताकि जितना भी कपड़ा बचे वो एक ही जगह पे निकल जाए।
यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया था, ये 8-8 इंच हमने लेना है टोटल। देखें ये हमारे पास ये सिलाइयों का मार्जिन मैंने ऊपर नीचे रख के इसके अंदर ही दे दिया है। देखें ये हाफ हाफ इंच इधर से और हाफ हाफ इंच इधर से मैंने ओवरलैप करके रखा है। ये देखिए ये हमारा ये दरमियान है, यहाँ से हमने ये इसको ऊपर नीचे रख करके रखा है ताकि हमारे पास सिलाइयों का मार्जिन आ जाए। तो ये देखिए 24 इंच हमारे पास सिलाइयों के बाद तैयार होना चाहिए। अब हमने इसकी तीरा लेना है, तीरे के पे निशान लगा लिया 7-14 इंच मैंने तैयार रखना है, तो मैं इस पे 7.5 पे निशान लगाऊंगी डबल करके, जो तैयार होने के बाद 14 इंच 14 इंच रह जाएगा। कंधा मैंने 1 इंच बढ़ा के लेना है 8 पे। मैंने दूसरी साइड पे बिछा लिया है तो कटिंग भी इसी तरह करनी पड़ेगी। यहाँ से भी हम 12 पे निशान लेंगे और पहले हम इसको इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं और ये एक्स्ट्रा कपड़ा सारा निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा सारा निकलेगा इधर से। यहाँ से हमने इसकी जो फिटिंग है 11.5 पे लेंगे। स्ट्रेट कट बना रही हूँ मैं, यहाँ से इसकी साइड की कोई फिटिंग नहीं करूंगी, जितना ये यहाँ से हमने फोल्डिंग करनी है सेम उधर उतनी ही हम इधर से सिलाई लेंगे। और ये हमारे पास 2 इंच पे इसकी कटिंग हो जाएगी बैक की, और फ्रंट की कटिंग जो है हमने 1.5 इंच पे करनी है और 1/2 इंच हमने यहाँ पे इसकी ये कटिंग करनी है। सेम उसी तरीके से हम बाकी कटिंग करेंगे जिस तरह हम कमीज काटते हैं। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैं इसको अपनी साइड पे बिछा लेती हूँ। यहां से भी मैं एक नॉच लगा देती हूँ सिलाई की। ये हमारा बैक साइड है, फ्रंट साइड हमारी ये वाली है। फ्रंट साइड का डिजाइन दरमियान वाला ये है, तो बैक साइड हम उसकी ये रखेंगे। यहाँ से हम इसकी इस तरह फ्रंट की कटिंग कर देंगे। इसकी सिर्फ हमने कंधे की कटिंग करनी है, इसकी फिटिंग की कटिंग नहीं करनी है। स्ट्रेट कट कुर्ता बना रहे हैं हम, यहाँ से इसकी कलियां भी बिल्कुल स्ट्रेट डालेंगे। इसके अंदर हमने लैस लगानी है, ये नीचे हमारे इस तरह वो लगाएंगे बॉर्डर लगाएंगे जो हम जब सिलाई करेंगे उसको अटैच करेंगे। अब इसके हम बाजू निकाल लेते हैं, देखिए कितनी आसान और जल्दी होने वाली कटिंग है। अब इसके हम बाजू निकाल लेंगे, बाजू हमने फ्रंट के साथ ही बनाने। ये हमारे पास फ्रंट है और इसके बाजू भी हमने लूज बनाने। लंबाई हमने 21 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई जो है हम 10 इंच रखेंगे, और 10 इंच चौड़ाई और 21 इंच लंबाई करके हम इसको अलग अलग कपड़ा कर लेते हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने निशान लगा लिए हैं, जिस तरह हम बाजू की कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से करेंगे। फ्रंट की हमने शेप नहीं देनी, फ्रंट से हमने इसी तरह खुला रखना है। अब हमने ये देखें, मैंने एक साइड पे पैनल जोड़ दी है लैस लगा के। मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये पैनल किस तरह जोड़ना है और किस तरह हमने लैस लगानी है। लैस की सीधी साइड लेनी है हमने और ये उल्टी साइड जो है इस तरह रखनी है। ये डिज़ाइन के हिसाब से हमने कपड़े को थोड़ा सा छोड़ के जितना हिस्सा आपने दिखाना है उसके इस साइड पे हमने सिलाई लगानी है। मैंने सिर्फ इतना हिस्सा इसको दिखाना है। इस तरह पूरे पे सिलाई लगाने के बाद हमने पहले लैस अटैच कर लेनी है। लैस लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हमने कपड़ा रख के अटैच करना है। पैनल जोड़ते हुए जो हम पहले सिलाई लगा चुके हैं लैस की, उसी के ऊपर आप दोबारा सिलाई लगा दें
तो आपकी लेस जो है वो एक जैसी लगेगी। उसके बाद हमने बॉर्डर अटैच करना है। इस तरह हमने जो पहले सिलाई लगाई हुई है जो लेस की, उसके नीचे हमने पैनल रखा है, पैनल उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने पैनल भी अटैच कर देना है। तो सेम तरीके से सेम बिल्कुल सिलाई आएगी और लेस भी एक जैसी बाहर नजर आएगी। एंड पे हमने बॉर्डर अटैच करना है। बॉर्डर अटैच करने के बाद हम इसके कंधे जोड़ेंगे। अब दूसरे हिस्से पे हमने ये देखे बॉर्डर अटैच कर रहे हैं। बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रहे हैं ताकि बॉर्डर भी नीटली लगे। जो रेड पट्टी नजर आ रही है हमें बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगानी है ताकि एक जैसा बॉर्डर हमारा लगे। ये देखें हमारे पैनल्स अटैच हो गए हैं, लेस भी लग गई है, हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसके दरमियान में जो है गला गला अटैच करना है। ये हमारा बॉर्डर है, ये देखें हमने बॉर्डर अटैच किया हुआ है। अब हमने इसका नेक लाइन बनानी है। अगर मेरे पास तो नेक लाइन जो है इसकी अपनी डिजाइन वाली है जो एम्ब्रॉयडर्ड है। आपके पास नेक लाइन आपने जिस तरह भी बनाना चाहे आप इस तरह बना सकते हैं। इस पे मैंने एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन लगानी है जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एम्ब्रॉयडर्ड नेक अटैच करने के बाद देखें इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। अब हमने इसके तीरे को अटैच करना है। तीरे को अटैच करने के बाद हम इसकी साइड की सिलाइयां लगाएंगे। आप चाहे तो इधर दरमियान में एक सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाजुओं पर लेस लगा रही हूँ मैं। बाजुओं पर लेस लगाने के लिए ये देखें बाजुओं को मैंने उल्टा करके रखा है और इसकी जो बैक साइड है उस पर कपड़े को थोड़ा बढ़ा के रखा है। इस तरह मैंने लेस के ऊपर रख के सिलाई लगानी है झालर के साथ साथ। झालर वाली लेस है मेरे पास और इसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह नीचे से भी बहुत नीटली लगेगी और ऊपर से भी हमारे पास कोई धागा और कोई कपड़ा नजर नहीं आएगा। ये देखें ये जो हमने जब लेस को सीधा करेंगे दूसरी साइड पे सीधी साइड पे जब लेस को करेंगे इस तरह ये जो हमारा पास टसल्स वाला पार्ट है वो निचली साइड पे आ जाएगा और हमारा जो नीचे कपड़ा है वो लेस के अंदर वाली साइड पे चला जाएगा जो छुप जाएगा। इस तरह रख के हमने सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसके तीरे को ज्वाइंट करना है। जिस तरह आम कमीजों का तीरा ज्वाइंट किया जाता है सेम उसी तरीके से ज्वाइंट करना है, लेकिन इस पे ध्यान रखना है कि हमारा लेस वाला पार्ट जो है फ्रंट और बैक का सेम जगह पे है। अगर वो आगे पीछे हो गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने तीरा ज्वाइंट कर लिया है। अब मैंने साइड पे सिलाई लगानी है। साइड पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, कोई फिटिंग नहीं देनी। यहाँ पे मैंने 14 इंच का रखना है दरमियान वाला पार्ट। यहाँ पे रख के मैंने इस तरह हाथ से एक लाइन ड्रा कर ली है और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके बाजू अटैच करने हैं और इसके बैक जो नीचे वाला पार्ट है इसको फोल्डिंग करनी है, बैक गला बनाना है। जिस तरह आम शर्ट्स का बनाया जाता है सेम उसी तरीके से बाकी का सारा काम हम करेंगे। ये स्ट्रेट कट कुर्ता जो है वो दुबली पतली लड़कियों पर बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। इसके बाजू बनाकर अब हम इसके बाजू अटैच करेंगे। स्ट्रेट कट कुर्ता हमारा देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। ये तैयार होने के बाद कुछ इसकी लुक इस तरह की आएगी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को नीचे जो रेड आइकन है उसको दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी वीडियो के नीचे जो रेड आइकन है उसको दबाएं, साथ बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।